खरगोन जिले में आशा उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ता संघ अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया है। मांग पूरी न होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से संघ की ये लड़ाई चलती आ रही है कि उन्हें नियमित कर सम्मानजनक नियुक्ति दी जाए ताकि अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके, लेकिन बार बार शासन प्रशासन स्तर पर आवेदन देने के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से आशा उषा कार्यकर्ताओं और सहभागिनियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 6 सूत्रीय मांगें पूरी करने के नाम पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संघ जिला अध्यक्ष रेखा रणसोरे ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर यह आंदोलन सतत जारी रहेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमने ज्ञापन दिया है तो अभी COVID-19 का जो सर्वे दिया गया था किल कोरोना, उसमें समस्त आशा सहयोगिनी उषा ने बहुत अपनी जान को जोखिम में रख के ये सर्वे किया गया है। उसके बाद भी अभी सरकार को बिल्कुल भी आशा उषा और आशा सहयोगिनी पे कोई दया नहीं आई है। अब आज ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि हमने इतना अच्छा काम करने के बाद भी हर अधिकारी जाता है तो आशा और आशा सहयोगिनी की प्रशंसा होती है, तो मुख्यमंत्री जी को ये पता क्यों नहीं है कि आशा उषा और आशा सहयोगिनी ग्रामीण में इतना अच्छा काम कर रही है। अभी सबको पता है कि कितनी महामारी थी, कितना इस बार कितनी मृत्युआँ हुई है, कितना कील कोरोना कितना संकट वाला था, फिर भी आशा कार्यकर्ता वो आशा सहयोगिनी ने जाकर जिसको कोरोना पॉजिटिव था उसका ओटू लिया है, उसका टेम्परेचर लिया, वो ऑक्सीजन लिया है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज हमने ज्ञापन इस विषय में दिया है कि समस्त जिला की आशा कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी आज से हड़ताल पे हैं। जब तक ये हमारी 6 मांगे हैं ये पूरी नहीं की जाएगी, जब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? रेखा रणसोरे। हमारी समस्या ये है कि पिछली बार भी जैसे कोरोना के सर्वे हुआ था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि 10,000 रुपये आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी को दिया जाएगा। 10,000 की बात तो बोले क्या, 10 पैसे भी आज तक नहीं मिले। तो सरकार जब घोषणा करती है तो सही के घोषणाएं कर रहे हैं या हमारे साथ खिलवाड़ करके कर रहे हैं, ये हमको अभी तक उनका कोई समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से मांगे घोषणा कर देते हैं उसके बाद कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात, जैसे अभी कोरोना किल में हमारी आशा कार्यकर्ता की भी डेथ हुई है कोरोना की वजह से, उनको भी बोला गया था कि 50 लाख रुपये जो अगर आशा कार्यकर्ता या फिर स्वास्थ्य मंत्री नहीं तो 50 लाख की पिछली बार घोषणा थी, अब 1 शून्य हटा के 5 लाख कर दिए गए। तो ये हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर उनको देना है और घोषणा करना है तो उस पर खड़े उतरे। तब क्या काम बंद कर दोगे आप लोग? हाँ, हम काम बंद कर देंगे और आज हम यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे मानी जाए और इस पे विचार किया जाए और जल्दी से जल्दी हमको ये मांगे जो बोल रहे हैं हम कि हमारी मांगे क्या है, जैसे ये आशा उषा ये आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तब और आशा उषा को 18,000 और सहयोगिनी कार्यकर्ता को 24,000 मान दिया जाए। क्या नाम है आपका? रेखा रणसोरे, जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।